हेलो एवरीवन, तो हम आगे बात कर लेते हैं सोशल साइकोलॉजी की। 1930 में जब फ्लॉयड ऑलपोर्ट ने अपनी बुक पब्लिश की थी, जो काफ़ी ग्रोथ उसके बाद काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, बिकॉज ऑलपोर्ट ने बहुत सारी नई बातें बोली थी, एक एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, फेशियल एक्सप्रेशन पर काम करो, तो ऐसे नए नए फैक्ट्स उजागर किए थे जो अब से पहले किसी ने नहीं बताए थे। नए नए इश्यू पर स्टडी होने लगी, उसके बाद नए नए मेथड्स लेके आने लगे लोग। तो 1935 में मुजफ्फर शरीफ आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था कन्फर्मिटी पे। इन 1935-36 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक अंधेरे कमरे में टॉर्च दिखाई थी और उसमें पार्टिसिपेंट्स के अलावा अपने कुछ बंदे भी भेजे हुए थे, जिनको उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि आपने सिर्फ यही बोलना है जो मैं कहूँ, कि अगर मैं ये कहूँ कि लाइट राइट में दिख रही है तो आपने बोलना हाँ राइट में दिख रही है। तो ऐसे ही उन्होंने जब अपने काफ़ी सारे कॉन्फिडेंट्स को वहाँ पे भेजा, तो उन्होंने लाइट टॉर्च दिखाई अंधेरे कमरे में, तो कुछ पार्टिसिपेंट ने बोला कि भी लाइट मिड में शो हो रही है, बट जो कॉन्फिडेंट्स थे ऑलरेडी वहाँ पे, जिनको शरीफ ने बोला हुआ था, ने कहा कि लाइट तो राइट में शो हो रही है। तो उसके बाद दूसरे जो अदर कॉन्फिडेंट्स थे जो ऑलरेडी उन्होंने भेजे हुए थे अपने बंदे, उन्होंने भी यही बोला कि हाँ लाइट राइट में शो हो रही है। तो जब ऐसा हो रहा था तो जो पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे, उन्होंने भी अपना आंसर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। उसको बोलते हैं सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना, यानी कि उन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स थे अपनी बात से हटकर सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको तो राइट क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो ये दूसरे जो बंदे हैं उनको राइट साइड में दिख रही है और मैं मतलब मिड में या लेफ्ट में बोल रही हूँ, तो इसका मतलब कि शायद मुझे कोई कन्फ्यूजन है या मैं गलत बोल रही हूँ, तो जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वही सही है। और दिस इज़ कन्फर्मिटी, जिसमें शरीफ ने रिसर्च किया था। तो उन्होंने जो मिस्टर शरीफ, उन्होंने सोशल नॉर्म्स पे रिसर्च की थी, सोशल नॉर्म्स पे काम किया था और कन्फर्मिटी के ऊपर उन्होंने भी काम किया था, जिससे ये बात निकल के सामने आई थी कि जो जहाँ जब हम बाहर होते हैं, मोस्टली कहीं भी अगर हम बाहर हैं तो हम सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, बेशक वो बात सही है या गलत है, हम अपनी मतलब बात से हट के उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं जो दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो ये 1939 में कर्ट लेविन आए, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया इस बारे में, उन्होंने लीडरशिप क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है और भी जो ग्रुप प्रोसेस हैं उन पर उन्होंने रिसर्च की थी। थैंक यू।